नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक रिपोर्ट के बारे में, और रिपोर्ट है ये आपकी जेफरीज की। अब जेफरीज की क्या रिपोर्ट है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, क्या है इस रिपोर्ट का? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इस रिपोर्ट का कि आज रिपोर्ट के दम पर बड़ा एक्शन हुआ है। आप देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई दो स्टॉक्स पे, एक सीई इंफोसिस्टम और एक मैप माई इंडिया। रिएक्शन आपने देखा, लगभग सीई इंफोसिस्टम 220% की रैली देता हुआ दिखा, 400 पॉइंट भागा, और उनो मिंडा में भी शुरुआती कारोबार में तो बढ़िया दे दी थी, उसके बाद अच्छे गेंस के साथ ही क्लोजिंग आई। आपने मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखी, उसने बेहतरीन करा। अब जेफरीज की रिपोर्ट क्या कह रही है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है टेलीकॉम कंपनीज पे, जिसमें उन्होंने इंक्लूड करा है भारती एयरटेल को, रिलायंस जियो को और वोडाफोन आइडिया को। ये काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं इन तीनों ही स्टॉक्स पे। इन्होंने अपना व्यू रखा है डिटेल में, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के साथ ड्यूरिंग इलेक्शंस और बिफोर इलेक्शन रिजल्ट मैंने एक चीज कही थी कि लगभग अगस्त या सितंबर में टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक मारेंगी, आपके मोबाइल का बिल महंगा हो जाएगा और साथ ही साथ पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी किचन का राशन महंगा होगा, जिसमें चीनी चावल की बात करी थी। चीनी आपको दिखने लगी सरकार करने जा रही है इनकी बढ़ोतरी पैसे की। कर्नाटका में आपने पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए देख लिए हैं, पूरे देश भर में भी आप देख लोगे जल्दी से। और टेलीकॉम कंपनियां अपने प्राइसेस बढ़ाने वाली है, ये चीज अब जेफरीज भी कहने लगा है। ये सब इसलिए है, इसमें मैंने कोई तीर नहीं मारा कि मैंने पहले ही बता दिया ना, दिख रही थी वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन एक बार खत्म हो जाए उसके बाद सरकार को क्या है, पैसा सबसे ज्यादा भी तो जब इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा खर्चा होता है देश का, तो सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को करना है खर्च, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी दबा लेते हैं हर चीज को, बाद में बढ़ाएंगे। तो अब इलेक्शन का दाम, अब धीरे धीरे चीजें महंगी होंगी। अब चलिए समझते हैं जेफरीज क्या कह रहे हैं। फोकस में है टेलीकॉम कंपनियां। पहले मैं आपको अप्रैल का डेटा बताना चाहूंगा। अप्रैल में टोटल 14.7 लाख टेलीकॉम ग्राहक जुड़े थे, ट्राई का ऐसा बोलना है। मार्च में 8.49 लाख टेलीकॉम ग्राहक जुड़े थे। रिलायंस जियो ने अप्रैल में 26.9 लाख ग्राहक जोड़े हैं, और वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल में लगभग 7.25 लाख ग्राहक गवाए हैं, इनफैक्ट 7.35 लाख ग्राहक गवाए हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 7.53 लाख इन्होंने जोड़े हैं। तो ये तो बहुत लंबे समय से दिख रहा है हमें कि भैया वोडाफोन आइडिया हमेशा कस्टमर लूज करता है और भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो कस्टमर ऐड करता है। लेकिन इसमें जेफरीज का क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो समझिए। ग्रामीण इलाकों में सब्सक्राइबर बेस 24 लाख बढ़ाए, यानी कि गांव की जगहों पे थोड़ा सा कस्टमर बेस ज्यादा आने लगा है। अब शहरी इलाकों में केवल 9 लाख और बढ़ाए, ग्रामीण में 24, शहरी में 9। 4G 5G में जियो और एयरटेल के मार्केट में हुई है 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी। तो जो रिलायंस जियो है और जो भारतीय एयरटेल है, ये 4G और 5G में 10 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। फंड जुटाने के बाद वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। ये ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है कि जो कस्टमर्स लूज करने का सिलसिला है ना वोडाफोन आइडिया का, वो कम हो रहा है। एक समय पे 18 लाख 20 लाख 22 लाख ऐसे कस्टमर लूज कर रहा था, ये अब 7.5 लाख कर रहा है केवल। और केवल इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं FY26 तक ये ऐड करने लगेगा, पॉजिटिव हो जाएगा इसके लिए। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि जो ये फंड रेस कर रही है कंपनी, इंडस टावर में सेलिंग देखी, 20,000 करोड़ का FPO देखा, इस फंड से वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्विस को अच्छा करेगी, 4G पूरा रोल आउट कर देगी, 5G को प्ले करेगी, और कस्टमर्स को ऐड करने के लिए पैसा है उसके पास, ये सारी चीजें करेगी, और जो कर्ज है उसको कम करेगी, तो फिर बैलेंस शीट मजबूत होगी। ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है जेफरीज को वोडाफोन आइडिया में। तो फंड जुटाने के बाद वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। एयरटेल जियो के मार्केट शेयर छोटी अवधि में बढ़ेगा, यानी 3 महीने 6 महीने 1 साल में इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा अभी एयरटेल जियो का, लेकिन FY26 में यानी अगले वित्त वर्ष में एयरटेल जियो का मार्केट शेयर कम हो सकता है। और MNP क्यों कम हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया प्ले करने लगेगा, वो मार्केट शेयर थोड़ा गेन करेगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। MNP में कमी, आगे टैरिफ हाइक बढ़ सकते हैं, यानी कि जो आपका अभी
खर्चा है ना मोबाइल रिचार्ज का, वो बढ़ सकता है। और दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 30% बढ़ने की बात चल रही है। 30% मान के चलो किसी का रिचार्ज अभी 200 रुपए का होता है, वो 260 रुपए का हो सकता है इतना। किसी का 500 का होता है तो वो हो सकता है 650 का होने लगे। तो टैरिफ हाइक अच्छा खासा आ सकता है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं। बाकी तीनों स्टॉक रडार पे रखने हैं। अब यहां से क्या खरीदें, देखो ये तो बोल रहे हैं कि भैया भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो शॉर्ट टर्म में, जियो तो हम प्ले कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो एयरटेल वोडा में आपका कॉम्पिटिशन है, आप एयरटेल पे ज्यादा फोकस कीजिए, भारतीय एयरटेल पे। और वोडाफोन आइडिया अगर गिरावट में 13 रुपए कभी भी मिले तो आप वहां पे उठाइए उसे, सिंपल। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी पूरी टेलीकॉम पे, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, जेफरीज की पूरी रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।